बच्चों अब हम वाटर साइकिल को एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। हमारी दुनिया में पानी तीन रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में। आइए अब इसे एक एक्टिविटी के रूप में देखें। एक प्लेट में हमने कुछ बर्फ के टुकड़े लिए, आप उसे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो मेल्ट होकर पानी के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद हमने गैस पर पानी को गर्म करने रखा तो आप देखेंगे कि जो पानी था वो भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। वो पानी का कौन सा फॉर्म हो गया? स्टीम फॉर्म। इसके बाद हमने इस पानी के बर्तन को ज़मीन पर रखकर उसे ढक दिया। थोड़ी देर बाद उस ढक्कन को उठाकर देखिए तो आपको उस पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। ये क्या है? पानी ठंडा होकर उसके ऊपर कंडेंसेशन के रूप में जम गया है। अब नेक्स्ट में हम देखिए पानी को फ्रीज़र में रखते हैं जमाने के लिए। थोड़ी देर बाद निकाल कर देखिए तो आप देखेंगे कि पानी वो जमकर आइस हो गया, यानी बर्फ़ बन गया। ये पानी का नेक्स्ट फॉर्म है। ये हमने देखे कि पानी बर्फ़ से पिघल रहा है, पानी से भाप बन रही है और पानी जमकर बूंदों के रूप में आ गया। इसके बाद पानी सॉलिड फॉर्म में यानी बर्फ के रूप में हमें दिखाई देता है। ये पानी के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम वाटर साइकिल को समझेंगे। देखिए, सूर्य की तेज रोशनी से नदियों, झरनों, तालाबों से जो पानी है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगता है और हमारे आसमान की फर्स्ट लेयर पर जाकर वह वहाँ पर ठंडा होता है। ठंडा होकर वह वापस पानी की बूंदों के रूप में जमने लगता है। जब ये पानी की बूंदें ज़्यादा रूप में जम जाती हैं तो वो बादलों का रूप ले लेती हैं और बादल जब बड़े हो जाते हैं तो वापस पानी करने लगते हैं, बारिश के रूप में नीचे बरसने लगते हैं। ये देखिए बारिश हो रही है और यही पानी वापस आकर नदियों और झरनों में मिल रहा है। यही वाटर साइकिल है कि धरती से पानी ऊपर उठा आसमान में बादल बनके, फिर बारिश बनकर ये नीचे गिरता है। इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। थैंक यू।